हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम जानेंगे टॉय ट्रेन्स के बारे में। तो टॉय ट्रेन्स का नाम आपने अक्सर सुना होगा। काफ़ी अच्छी गाड़ी रहती है एकदम, ये छोटी सी प्यारी सी, और लोग इसमें जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब ये या तो नैरो गेज में चलती है या फिर मीटर गेज में चलती है, लेकिन ये हिल्स में चलती है जिस कारण से वहाँ के व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं। और क्योंकि ये छोटी गाड़ी है इसलिए लोग इसे टॉय ट्रेन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कालका शिमला टॉय ट्रेन के बारे में, जो कि इंडिया की सबसे फेमस टॉय ट्रेन है। तो 102 टनल्स, 969 ब्रिजेस और 20 रेलवे स्टेशन से होके ये टॉय ट्रेन पूरी हिमालय की सैर कराती है, और इसमें जाना बहुत अच्छा लगता है। ब्रिटिश वॉइस रॉय लॉर्ड कर्जन ने 1903 में इसकी शुरुआत करी, और टोटल ये रूट है 96 किलोमीटर का कालका से शिमला के बीच में। और मैं आपको बता दूं, गिनीज बुक ऑन रेल फैक्ट्स एंड फीट्स ने कालका शिमला रेलवे को इंडिया का ग्रेटेस्ट नैरो गेज इंजीनियरिंग अचीवमेंट बताया था। मतलब आप सोच सकते हैं कि इसकी कितनी तारीफ है दुनिया में। ये ट्रेन टोटल 7 कोचेस की चलती है, जिसमें कि 200 पैसेंजर्स जा सकते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे रेल बस भी चलती है। और मैं आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। टोटल 4.5 आवर्स की जर्नी होती है, और कालका और शिमला दोनों हिमाचल प्रदेश में आते हैं। तो अगर आपको हिमालय की सैर करना है तो आप इस टॉय ट्रेन में जरूर से जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद हम आते हैं आज की दूसरी टॉय ट्रेन, जो कि दार्जिलिंग में चलती है, जिसे हम कहते हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। तो ये ट्रेन चलती है न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक। टोटल 88 किलोमीटर का ये रूट है, जो कि सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक जाता है, और ये रूट भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। इसकी भी शुरुआत 1880s में हुई थी, जो कि काफी पहले बना हुआ रूट है ये। टोटल ये ट्रेन 7 घंटे का टाइम लेती है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब भी आप इस रूट में जाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस कभी भूल नहीं सकते। वैसे तो सारे टॉय ट्रेन्स के रूट ही ऐसे हैं जिसमें कि आप जब भी जाएंगे तो आप जिंदगी में उसे कभी भूल नहीं सकते, वो इतने सुंदर रूट्स होते हैं। और दार्जिलिंग और न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में आते हैं। इसके बाद हम आते हैं नीलगिरी माउंटेन रेलवे में। अब जो हमने पहले की दो ट्रेन जानी, ये दोनों नैरो गेज है, और ये नीलगिरी वाली ट्रेन मीटर गेज है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे आता है साउथ में, मतलब कि तमिलनाडु में। टोटल 46 किलोमीटर का ये रूट है, जो कि जाता है मेट्टुपल्लयम से ऊटी तक। ऊटी तो आपने सुना ही होगा, कितनी फेमस प्लेस है, बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, और साथ ही साथ हिल स्टेशन है। काफी लोग वहां जाना पसंद करते हैं, और इस वजह से टॉय ट्रेन काफी ज्यादा फेमस है। 1899 में कुन्नूर तक इसकी शुरुआत हुई थी, और 1903 में ये लाइन को ऊटी तक बना दिया गया। और मैं आपको बता दूं, ये रूट सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट है पूरे एशिया में। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि इसका जो स्टीपनेस है वो सबसे ज्यादा है पूरे एशिया में। टोटल इसकी जर्नी होती है 4.5 आवर्स की, और इस रूट पे पड़ते हैं 16 लॉन्ग टनल्स, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये रूट भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, और आपको यहाँ जाके बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, मेट्टुपल्लयम से कुन्नूर तक एबीटी रैक और पिनियन सिस्टम लगा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये एक चेन टाइप की होती है, जिससे कि ट्रेन का ऊपर चढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। इंडिया में अकेला ऐसा सिस्टम है कहीं, लेकिन इसके कारण से ट्रेन काफी आसानी से ऊपर चढ़ जाती है। और अगर ये ना हो तो पूरा का पूरा फोर्स इंजन को लगाना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है इंजन को चढ़ने के लिए। लेकिन इसके कारण से काफी जल्दी ट्रेन चढ़ जाती है ऊपर। हम किसी और वीडियो में इसे कवर भी करेंगे अच्छे से, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं आज की चौथी टॉय ट्रेन पे, जो कि आती है माथेरान हिल रेलवे में। तो ये टॉय ट्रेन चलती है नेरल से माथेरान तक। अब आप सोच रहे होंगे कि नेरल कहाँ है। तो नेरल पड़ता है मुंबई पुणे के रेलवे रूट पर। उस स्टेशन पे आप उतर के माथेरान तक जा सकते हैं इस टॉय ट्रेन में। यह आता है महाराष्ट्र में, और ये कवर करता है वेस्टर्न घाट्स को। ये रूट भी काफी ज्यादा सुंदर है। टोटल 21 किलोमीटर की ये लाइन है, और 1907 में इसकी शुरुआत हुई थी, और फ्यूचर में इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डालेंगे। ये भी नैरो गेज में आता है, और आपका यहाँ जाना भी वर्थ इट होगा। एक बार तो आपको यहाँ भी एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए। जो भी सेंट्रल इंडिया में रहते हैं या फिर मुंबई पुणे के आसपास रहते हैं, और जो कि दूर तक नहीं जा सकते, तो वो माथेरान की टॉय ट्रेन में जा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं आज की लास्ट टॉय ट्रेन पे, जो कि आती है कांगड़ा वैली में। तो पंजाब के पठानकोट से लेके हिमाचल प्रदेश के जोगिंदर नगर तक हिल्स और वैलीज से होते हुए ये टॉय ट्रेन चलती है। ये भी नैरो गेज में आती है, और ये टोटल रूट है 164 किलोमीटर का, जो कि 1929 में शुरू हुई थी। ये रूट भी सुंदर है, लेकिन अगर आप बाकी टॉय ट्रेन के रूट से कंपेयर करें तो ये हल्का सा फीका पड़ जाता है। लेकिन तब भी जब सीजन होगा तब आपको यहाँ पे बहुत भीड़ मिलेगी, और तब आपको यहाँ पर भी काफी मजा आएगा। अब इन पांचों टॉय ट्रेन की टिकट जरूरी है कि IRCTC में उपलब्ध हो, तो जब भी आपको इनमें जाना है तो आप पहले तो इनका टाइम टेबल देख लीजिए, और इस ट्रेन के टाइमिंग के लगभग 2 घंटा पहले आप जाके उनकी टिकट्स खरीद लीजिए उसी स्टेशन पे, वरना आपको टिकट्स मिलने में थोड़ी सी मुश्किल जाएगी। और जब भी इसका पीक सीजन रहता है तब इसमें बहुत ज्यादा भीड़ चला करती है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन टॉय ट्रेन में लगभग हर रेल फैन को जाना चाहिए, और इवन रेल फैन क्या, सभी लोगों को जाना चाहिए जिन्हें भी इंडिया को अच्छे से एक्सप्लोर करना है। साथ ही साथ हिल्स, माउंटेन्स, घाट्स, फॉरेस्ट, ये सब अगर देखना है तो टॉय ट्रेन में जरूर से जाइए। ये छोटी सी गाड़ी आपको काफी बड़े बड़े एक्सपीरियंस दे सकती है, जो कि आपको पूरी जिंदगी भर याद रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में ट्रेन्स की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।